Hey guys, welcome back. If you're new here, my name is Mavish. Welcome to my channel. In today's video, I'm going to share metallic smoky eye makeup look, and you can create this makeup look less than 10 minutes. So if you want to know how I created this makeup look, then please keep watching. But before jump into the video, please take a moment to like, subscribe and share. So without further delay, let's jump straight in the video. एंड यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ ये वाली आई शेडो पैलेट एंड दिस इज़ फ्रॉम टीवी पार्लर कॉस्मेटिक्स और यहाँ पे मैं लूँगी ब्राउन आई शेडो और मैं इसको लेके क्रीज पे लगा के अच्छे से डिफाइन करूँगी और उसके साथ मैं क्लीन ब्रश की हेल्प से इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग भी करती जाऊँगी ताकि कहीं से भी हार्श लाइन्स जो हैं वो ना दिखें और अच्छे से जो है एक कैनवस क्रिएट हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी मेटालिक आई शेडो और ये है लाइट ब्लू एंड यू कैन से टर्कोइज आई शेडो और इसको मैं लेकर थोड़ा सा लिड पे लगाऊँगी लाइक इसको वी शेप में हाफ साइड पे मैं इसको जस्ट अप्लाई करूँगी, नॉट दैट मच, क्योंकि अभी इसके बाद मैंने एक और मेटालिक आई शेडो भी अप्लाई करना है। सो दिस इज़ वन आई शेडो जिसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई करना है एज अ वी फॉर्म। बेसिकली यहाँ पे इसको अप्लाई करने का जो मकसद है वो ये है कि इसमें जो मिडल पे मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लिए आई शेडो यूज़ करूँगी वो इससे ऑपोजिट आई शेडो है, यानी कि जो मेरा ड्रेस है उसके रिलेटेड ही मैंने यहाँ पे दोनों आई शेडोज को अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने जो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ा था यहाँ पे मैं सिल्वर आई शेडो को थोड़ा सा ग्लिम्स के लिए या थोड़ा सा टचअप के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, बट नॉट दैट मच, क्योंकि रेस्ट ऑफ जो मेरी अब यहाँ पे आउटर कॉर्नर है इस पे मैं यहाँ पे इसकी ब्लेंडिंग करूँगी, थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट करूँगी डार्क ब्लू कलर के साथ, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्मोकी इफेक्ट जो है वो क्रिएट करना है। दिस इज़ कॉल्ड मेटालिक स्मोकी आईज और यहाँ पे मैंने टू मेटालिक आई शेडो को सबसे पहले लेके अच्छे से ब्लेंड किया, उसके बाद मैं यहाँ पे आउटर वी के ऊपर थोड़ी सी यहाँ पे डेप्थ क्रिएट करते हुए सिर्फ ओनली वन आई शेडो के साथ ही मैं इसका यहाँ पे स्मोकिंग इफेक्ट क्रिएट करी हूँ। यहाँ पे मैंने कोई डार्क ब्राउन आई शेडो यूज़ नहीं किया, कोई ब्लैक आई शेडो यूज़ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन डार्क ब्लू मैंने यहाँ पे आई शेडो लिया है और ये था मैट आई शेडो। अच्छे से ब्लेंडिंग कर ली, उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रॉ बोन को एंड इनर कॉर्नर्स को यहाँ पे हाईलाइट करी हूँ एंड एपीके की मैंने यहाँ पे पैलेट यूज़ की है, हाईलाइटर पैलेट। उसके बाद मैं यहाँ पे ये वाला आईलाइनर अप्लाई करी हूँ, ये मैंने एक लोकल जो है स्टोर से लिया था, किसी ब्रांड का नहीं है और लेकिन अच्छा है, नॉट बैड। और यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करी हूँ, स्मॉल सा मैं यहाँ पे विंग क्रिएट करूँगी और साथ ही मैं इसकी अच्छे से फिलिंग कर लूँगी आई लैशेज की एप्लीकेशन से पहले। उसके बाद मैं यहाँ पे एसेंस का मस्कारा यूज़ करी हूँ, मेरा फेवरेट मस्कारा है। आप जो भी मस्कारा यूज़ करते हैं वो आपके अपने ऊपर है कि आप कौन सा अप्लाई करें। उसके बाद मैं यहाँ पे ये वाली रशियन आई लैशेज अप्लाई करी हूँ, ये मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया था और मुझे 15 डेज़ में ही ये रिसीव हो गया, बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत आई लैशेज हैं। उसके बाद मैंने फेस को क्लीन कर लिया था ऑफ कैमरा और मैं यहाँ पे BBA का अप्लाई करी हूँ, ये वाला जो है प्राइमर, मुझे BBA का प्राइमर बिल्कुल सूट नहीं करता और मुझे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता, फेस पे एक रबड़ सा अजीब सा इफ़ेक्ट क्रिएट कर देता है। तो इफ़ यू हैव ड्राई स्किन तो आप इससे बिल्कुल अवॉइड करें, ये तो आपकी स्किन पे आपकी जो फाउंडेशन है उसको टोटली तौर पे इसकी जो है ना तबाही का जो है मौजिब बन सकता है। सो मैं इस प्राइमर को बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहती थी बट मेरे सामने आ गया तो मैंने सोचा कि चलें आज मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, तो डिज़ास्टर होता है ड्राई स्किन के ऊपर तो बिल्कुल इसकी एप्लीकेशन नहीं करें। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो अभी आपको टू कॉम्बिनेशन दिखाए थे इसी को मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, बट इससे पहले जो मैंने अपने मेकअप को एप्लीकेशन से पहले पार्ट किया था वो मेरा कलर करेक्टिंग था। उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिस्टीन का जो लूज पाउडर है और BBA की जो BB क्रीम है इसको मैंने कॉम्बिनेशन किया, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा फेस पे होती है, सो इसलिए बेहतर था कि फेस पे कम स्वेटिंग हो और स्वेटिंग जो है उसको एक स्वेट प्रूफ बनाने के लिए इस मेकअप को मैंने यहाँ पे ये वाला जो है आज एक टेक्निक यूज़ की है, बहुत अच्छी रही है, इससे फेस पे पसीना जो था आपका स्वेट था वो कम आया। और उसके बाद मैं यहाँ पे अब इस प्रोसीजर में अप्लाई कर रही हूँ रेयर ब्यूटी का कंसीलर इन द शेड
फेयर, और उसके बाद मैं यहाँ पे अब अप्लाई करी हूँ ये जो कंटोरिंग है, और ये मैंने क्रीम कंटोर किया है ग्लैम गर्ल की पैलेट से, और उसके बाद अब मैं अपने फेस को अच्छे से यहाँ पे सेट करूँगी पाउडर के साथ। इस सारी एप्लीकेशन के बाद सबसे एंड पे अब मैं यहाँ पे पाउडर अप्लाई करी हूँ, और मैंने यहाँ पे APK का जो है पाउडर अप्लाई किया है फेस पे, और ये ऑयल कंट्रोल भी करता है, बहुत अच्छा पाउडर है ये फेस पे। और मैंने फेस पे वहीं पे इसको पाउडर को अप्लाई किया जहाँ पे मैंने फेस पे जो है हाइलाइटिंग की थी अपने कंसीलर के साथ। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ पेटल्स ब्यूटी का ये वाला ब्लश, ये अच्छा ब्लश है, बहुत अच्छा सा इसमें फेस पे एक अच्छा इफेक्ट आ जाता है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। और मैं यहाँ पे इसको सन के स्टाइल में अप्लाई कर रही हूँ, और साथ में फिंगर की हेल्प से इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ ताकि अच्छे से ये विजिबिलिटी इसकी लॉन्ग लास्टिंग रहे। और उसकी मैंने एप्लीकेशन के बाद अब यहाँ पे अप्लाई किया है इन्हीं की ही ब्रांड का ये वाला हाइलाइटर, ये क्रीम हाइलाइटर है। तो अगर आपको लगता है कि कहीं से थोड़ा सा चंकी या कहीं से थोड़ा सा ब्लेंड नहीं होता तो इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। लिप्स को मैंने लाइन कर लिया था क्लेजोना की लिप लाइनर के साथ। उसके बाद मैं यहाँ पे बुलेट लिपस्टिक अप्लाई कर चुकी हूँ मेडोरा की, एंड फॉर लिक्विड लिपस्टिक आई एम यूजिंग स्वीट वेज की लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड 07। बहुत अच्छी लॉन्ग लास्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्रूफ लिपस्टिक है, आप इसको ज़रूर लीजिए, बहुत इकोनॉमिकल है एंड बजट फ्रेंडली है। एंड हेयर इज़ माई फिनिश्ड लुक, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू नॉट फॉरगेट टू गिव मी अ बिग थम्स अप, ऑल्सो माई सोशल लिंक्स आर राइट डाउन बिलो इन दिस वीडियो, आई love you guys so much and I will see you soon with your brand new video. Bye guys.